स्वागत है। खबर राजधानी जयपुर से है। सीएस उषा शर्मा रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक लेंगी। आज सुबह 10:30 बजे उषा शर्मा बैठक लेंगी। तो वहीं गौ संरक्षण सेस को लेकर बनाई गई परामर्शदानी समिति की भी बैठक होगी। सीएस उषा शर्मा इसकी अध्यक्षता करेंगी। दोपहर 3:30 बजे सचिवालय में यह बैठक आयोजित होगी। जल जीवन मिशन की राज्य में प्रगति को लेकर 5:00 बजे समीक्षा बैठक होगी। तो वहीं 6:00 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक से पूर्व ब्रीफिंग बैठक होगी। प्रगति पोर्टल पर केंद्रीय प्रोजेक्ट्स के अपडेशन व संबंधित मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे वरिष्ठ संवाददाता संयोग जैन। किस प्रकार से ये बैठक का शेड्यूल आज का रखा गया है? सीएस उषा शर्मा मैराथन बैठकें करेंगी, सचिवालय में ये बैठकें होंगी, क्या कुछ अपडेट है? जी आशीष, मुख्य सचिव ने जब से पदभार ग्रहण किया है जी, तब से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि वो बिल्कुल हाइपर मोड में आकर के सरकार के कामकाज को निपटाने में लग रही है। और इसी के मद्देनजर आज रीट का इम्तिहान जो होगा उसको लेकर के तैयारियों की एक अहम बैठक की जा रही है, क्योंकि सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि रीट का इम्तिहान जब से कैंसिल हुआ उसके बाद से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात बन के रह गई है कि इसका आयोजन अब जो हो उसमें किसी भी प्रकार की कोई खामी नहीं रहे। इसी के मद्देनजर आज मुख्य सचिव आज तमाम अधिकारियों के साथ में, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहेंगे, उनके साथ बैठक लेंगी और सब तैयारियों का जायजा लेंगी और संभवतः उसमें ऐसे कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं जिसके कारण जिससे आने वाला जो रिट का इम्तिहान है वो निश्चित तौर पर एक नजीर बनेगा पूरे देश के अंदर की जो राजस्थान सरकार ने जो इम्तिहान ये कराया है वो एक एक काफी एक आइडल इमेज बनकर के साबित होगा। जी आशीष जी बिल्कुल। इसके अलावा एक मीटिंग होगी जिसमें पीएम मोदी की अध्यक्षता में प्रस्तावित जो बैठक है उससे पूर्व ब्रीफिंग ये बैठक होगी जिसमें किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? आशीष अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल, 6:00 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें पीएम मोदी की बैठक से पूर्व ये बैठक की जाएगी। पीएम मोदी के साथ किन किन मुद्दों पर ब्रीफिंग की जानी है, चर्चा होगी, साथ ही साथ गौ संरक्षण को लेकर एक बैठक होने वाली है। जी पीएम मोदी के साथ में जो बैठक है वो अभी जो सबसे अहम बात अभी चल रही है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर धर्मशाला के अंदर तमाम जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको लेकर के वो सम्मिलित होंगे एक सम्मेलन के अंदर। पीएम मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे और कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे, वो एक विषय चल रहा है। उसके अलावा जो नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री देश के, उनके साथ में चीफ सेक्रेटरी जो है वो मीटिंग करेंगे और देश के और राज्यों के तमाम हालातों के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसके अंदर एक कोरोना का भी एक विषय हो सकता है। जिस प्रकार से कोरोना वापस देश के अंदर पैर पसार रहा है, अलग अलग प्रांतों में कई केसेस देखने को मिल रहे हैं कोरोना के, उसको लेकर की भी जायजा किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में। तो निश्चित तौर पर वो भी एक अहम बैठक है। जहां तक आपने गोवंश संरक्षण की बात करी है तो निश्चित तौर के ऊपर जिस प्रकार से गोरक्षा को लेकर के सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है, इसके अंदर प्रमुख शासन सचिव और गोवंश से जुड़े हुए जितने भी विभाग से जितने भी तमाम लोग हैं अहम बैठक के अंदर शामिल होंगे और चीफ सेक्रेटरी इस तमाम बातों का जायजा लेगी कि आने वाले वक्त में किस तरीके से गोवंश को और गोवंश को बढ़ाने के लिए सरकार योजना बनाए और किस तरीके से जो मुख्यमंत्री ने बजट घोषणाओं के अंदर गो वंश को बढ़ाने के लेकर के जो फैसले किए उनको किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, उसी बातों को लेकर के आज चीफ सेक्रेटरी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर सकती हैं आज की बैठक के अंदर। जी बिल्कुल, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता संयोग जैन, जिन्होंने बताया कि मैराथन बैठकों का दौर आज सचिवालय में जारी रहेगा। मुख्य सचिव उषा शर्मा विभिन्न बैठकों में शिरकत करेंगी।